ਸਸਕਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬੜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ 8:30 ਹੋ ਗਿਆ 8:30 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸਹੀ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਕੱਪੜੇ ਹੋਈ ਆ ਬਾਜੂ ਵਾਲੇ ਪਾਲੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਖਾ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਏ ਆ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ जय माता दी जय माता दी जय माता जय माता दी। चलो भी जोर से बोलो जय माता दी। ते चलो हुण भी अहीं लगे हैं ऑटो लैण ते ऑटो लैके जावांगे अगे। अच्छा भी अहीं लगे हैं नवें रस्ते चलण ते नवा रस्ता जिहड़ा खुल्लिया वा ते इस करके कहिंदे उह बड़ा साफ सुथरा वा घोड़े पालकियां वगैरह उधर ते नहीं जांदे ते अहीं ते लैणा नहीं कुछ भी घोड़ा वगैरह इस करके अहीं नवें रस्ते चलदे तां वी बने किहड़ा रस्ता नवा रस्ता खुल्लिया ते हाँ भी ऑटो वाले हड्डे अच्छा भाई आ वा नवा रस्ता जिहड़ा खुल्लिया वा ते इह तुहानू मिलनी आ परची ते इह तों आपां जाणा आ हुण तां नूं हुण 1 किलोमीटर लंबा वा इह रस्ता जिहड़ा वा 1 किलोमीटर दा फर्क आ इह ज्यादा लंबा वा पर इह आ कि इधर घोड़ा पालकियां वगैरह कुछ नहीं सीधे सीधे तुरे जाओ ते बाकी तां अग्गे वधो ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਪਰਚੀ ਲੈਣ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਾਰਡ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਰਚੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਵੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਧਰ ਤੱਕ ਆਹ ਕਾਰਡ ਵਾ ਯਾਤਰਾ ਆਰਐਫਆਈਡੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਲੋ ਭਈ ਆਹ ਕਾਰਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ ਚੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾ ਕਰ ਚੜ ਜਾ ਚੜਾਈਆਂ ਭਗਤਾ कोई रस्ते च घोड़ा नहीं कोई लेद नहीं कोई कुछ नहीं है कि इन्ना साफ सुथरा रस्ता परली साइड ते बहुत स्मेल आने लग पैंदी पिनी है ना ते बहुत वधिया आ देखो पंछियों की आवाज़ कितनी प्यारी लग रही है साल साल जाना है मैं देखने लगा उधर बूटे विखाओ अही भी ते अही अपने घर बूटे लाने ना ते इधर वेखो माता रानी दे भी सारे साइडां दे बूटे लाए लास्ट आए आ मैं तो इहनां दी सब्जियां भी लाईआं सब्जियां ने फुल लिया छोटे छोटे बड़े ज्यादा देखो जी अही अड्डा पौणा किलोमीटर लाए आ ते हुण गए आ चाह चूरी गए क्योंकि पराठी वगैरह भी लैनी आ आहो आई बांस जेड़े सानू चाहिए इत्थे बथेरे आ भी आ हैगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग 1000 लीटर आ टैंकी आ बारिश का पानी उधरों आन आन के ते विच पई जांदा होणा ना ये सारा पानी जांदा होणा इधर हाँ बारिश का जिन्ना पानी है सारा टैंकों के जाना वधिया है ना आ सारे बूटे बाटे लगे जेडे ना लाए सारे सारे साइडा दे लाए चंगा है वैसे है ना जेड़ा फट छड़न के पड़ा दिया देखो जी 60-70 स्पीड ते आंदे ही ते गला फड़या गया मेरा भी आ दर्द बड़ी हो रही इथों ये नहीं समझ आती कि ये कदम ही होती है बार बार ही होने स्किन जब मेरी डबल चिन खत्म होनी है वापस मैं तिखी तलवार वर्गी लैके जानी आने की जॉ लाइन भी तिखी हो जानी है जो पता नहीं की गल है पर आ चीज़ बड़ी दुखन डी बुरा हाल है मैं बड़ी मुश्किल सह लै लैके जान डी चलो मेरी शक्ल तो भी दिखन डा होना कि हवाइया मेरी उड्डिया पियाँ
नव वाटिका 2 मिनट का फर्क पैना, लेकिन यह रस्ता प्लेन वाला ठीक रहता है। पौड़ी में नहीं, मैनू पता, मैं सवेरे भी चढ़िया ना अपने होटल जी, तो फर्क पैंदा है। प्लेन भी ठीक रहता, बंदा चला रहा नॉर्मल जहा। इतने नवी नवग्रह वाटिका बनी है जो बहुत ही खूबसूरत है। थकावट सारी उतर जाती इतने बह के, इन्हें देख के उतर जाती अभी। बिल्कुल शांति। थोड़े ग्रह ठीक हो गए नवग्रह, इस तरीके का नाम रखे नवग्रह वाटिका। नवे रस्ते चौक तो जरूर इतने आयो। वाटिका बच्चे भी आनंद लैन दे। वो पल्स खाओ फिर, पल्स खा के देखो थोड़ा फर्क पड़ेगा। बस थोड़ी देर चलते हैं फिर देखते हैं। कोविड भी आने वाली है, भूख लगी है। इस रास्ते में मैकडोनल्ड भी आता है। आहो। और सामने सांझी छत तो नहीं लगता। गला फड़ो सुखमन ने, तो गला फड़ लिया, इसलिए मैं तुम्हें तो अपनी आवाज ना सुना दे। फड़ो फड़ो फड़ो, मौका गला फड़ लो। सांझी छत अर्ध कुंवारी और थल्ले कटरा, और असि सारे चली जाते हैं माता का नाम लेने। जय माता दी। कशी ने तो दौड़ा लाई है। खूबसूरत नज़ारा लेंदे हुए असि चली जाते, बहुत ही खूबसूरत रस्ता बनाया हुआ है, और इस रस्ते लंगर भी है। सामने लंगर हॉल। हाँ भाई, इतने आ लंगर हॉल, ये इन्हू पौने 3 किलोमीटर थले आ गए है ना। तो ये इतने आ गए, बहुत सोहना बनाया इधरला रस्ता जरा वा ना, बहुत वधिया बनाया। हाँ इधर नज़ारे है, फुल बैठने जगह है अंदर। हाँ वो स्क्रीन भी लगी है, लैंडिंग ना गल फिर बहन वाली जगह बड़ी वधिया। जगह का नाम है तारा कोटी, अर्ध कुंवारी 4.25 किलोमीटर रह गया इतों। अच्छा एटीएम भी है इधर, लंगर छक लिए पहला हूं। चलो भी माता के दर्शन कर लो इतने। देख कि वधिया लगे जा ना फोटो खिंचो। हाँ चल दस ਸ਼ਮੀਰ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ, ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਤੇ ਨਾਲ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ।
बड़ा पठानकोट गया है माणिया वाले। तू भी अपनी प्लेट लाया भैन? कोल्ड ड्रिंक हजे नहीं मिलती फिर बाद। किन्ना सोहना लंगर हाल बनाया पाया, साफ सफाई भी बड़ी है। साड़ी भैन नहीं कुछ खान डी, बाकी बी सारे इतने बहुत वधिया गल एरिया काम बड़ा वधिया। अच्छा भी पहला साढ़े गुरुद्वार चलता ही फ्री लंगर है, तो इधरली साइड तक नहीं लभदा, थोड़ा सस्ता मिलता हूँ हिफ्ते जाके है ना पुराने रस्ते च, पर लंगर फ्री है तो बहुत सोहनी है ना, साफ सफाई कि बर्तन वगैरह हर थान टकाने पूरा नीट एंड क्लीन है, तो खाना भी बड़ा स्वाद है, तो इस करके भी आ चंगा बहुत चंगा किया है ना इन्होंने। चलो आ मैडम ने खाधा नहीं कुछ, आ कोल्ड ड्रिंक पीनी है। जंगल पानी का भी बड़ा सुख जे, थां थां पानी जहा लगे गरम पीना चाहते हो, ठंडा पीना चाहते हो, नॉर्मल पीना चाहते हो, सारे है। अरे मेरा खीर खत्म हो गया, मेरे रस्ते हर जगह डस्टबिन लगे है, मेरा सामान अभी आया नहीं है नहीं, नहीं मैं दे देती हूँ। ठीक है हाँ वधिया लम्बे पै गया हूँ कुछ पीने कशिश नु मिलिया, काफी देर कोल्ड ड्रिंक लभन दी सी, मैं लस्सी या दुध मिल जाएगा, दुध पीना लस्सी लस्सी या दुध नींबू पानी लिया पानी उन्हें दुध का नींबू पानी नहीं, अभी दूध पिया ना उसने नींबू पानी चलो भी इतने तारे बूथ भी मिल जाना वेरका बूथ, ए आइसक्रीम दुध इलायची वाला पानी ए बहुत मजेदार है, नींबू पानी बड़ा स्वाद ही स्वाद ही ना, लस्सी भी मिलती है, तो इस करके भाई ये पानी पुनी वाला ये पीन पून वाले ड्रिंक्स वाह वाह वधिया इतने। छुप गया पंछी है कोई, पहुंच गया मैं पिछले पिछले हौली हौली आ रहा वहां, उन्होंने कुछ ना कुछ खवानी है, अच्छा स्वीट्स बीकानेर वाला पाव भाजी लग गए, अगे चले गए चल गए। एक्सक्यूज मी
ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ 300 ਮੀਟਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਡੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਡਿਆ ਤਾਂ ਤਵੇ ਲੱਭਣ ਡੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੋਣਾ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰਾਜਮਾਂਹ ਚਾਵਲ ਖਾਣੇ ਆ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚਾਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਸ਼ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਪਕੌੜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਪਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਟੇਸਟੀ ਚਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚੜਾ ਲਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਅੱਛਾ ਬਈ ਬੜੀ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਦੁਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਇਹ ਕਿ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ 8:40 ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਓਕੇ ਜੀ ਬਾਏ ਥੱਕ ਗਏ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕੇ ਪਏ ਹੁਣ ਬਾਏ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ